विस्तार जी, जब हम किसी पर आंख मूंद के भरोसा करें और सामने वाला हमें ये यकीन दिला दे कि हमारी आंखें वाकई बंद थी, तो दुख तो होता ही है। हमारे क्लाइंट्स भी हम पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हमें बस उन्हें ये यकीन दिलाना है कि उनका विश्वास, उनका भरोसा गलत नहीं था। हम पहले भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे और आगे भी करते रहेंगे, और ऐसा करने के लिए हमें खुद उनसे जुड़ना होगा। हाँ साहिबा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ये होगा कैसे? वैसे जैसे हम अपने रिश्तेदारों से और परिवार वालों से जुड़ते। मतलब? त्योहार दारजी, त्योहारों में अपना अपनों के और करीब आता है। हमें भी अपने क्लाइंट्स को अपने और करीब लाना होगा, और कल लोहड़ी है, लोहड़ी से अच्छा मौका और क्या मिलेगा हमें। ये साहिबा करना क्या चाहती है? अंगद, तुम्हारे लिए। चारी साहिबा, अंगद की आंखों में प्यार देखना चाहती थी, लेकिन मुझे तो अंगद की आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा है। साहिबा, तेरी सारी मेहनत बेकार। अब नहीं मिलना तुझे अंगद का प्यार, क्योंकि तुम दोनों में अब होगी सिर्फ तकरार। हाँ नहीं तो ये सब क्या है? अंगद गैरी को क्यों मार रहा है? ये कौन है अंगद जिसको इतनी बेरहमी से मार रहा है? ये अंगद का कजिन है गैरी। अच्छा, ये गैरी है? अंगद ब्रार ज्वेलर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, बल्कि गुंडा मवाली दिख रहा है। सर देखिए, हमारी कंपनी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं कर सकती। माफ कीजिए ब्रार साहब, आज जो कुछ देखा उसके बाद हम एक सेकंड भी यहां नहीं रुक सकते। और हाँ, जो भी अपनी डील की बात हुई थी उसे आप कैंसिल ही समझिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। प्लीज करें। इसका मतलब वो वीडियो वाकई में नकली था? तस्सो जी, की टेक्नोलॉजी आ गई आजकल। प्लीज अभी कुछ मत बोलना, राजल उसके रेपुटेशन का सवाल है, जो हो रहा है प्लीज होने दो। वैसे भी हमने ये फंक्शन अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए रखा था ना, हम इसे अपनी इमेज खराब नहीं होने दे सकते। प्लीज फिर उड़ी थी।
तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया आज? उस गैरी पे भरोसा करके क्या किया है पता है तुम्हें? हमारा बिजनेस, हमारा नाम, हमारी रेपुटेशन सबको दांव पे लगा दी तुमने। मेरी कहान वो वीडियो गैरी ने नहीं बदला। और कौन बदलेगा? किसने बदला होगा? गैरी नहीं बदला है। गैरी ने पहले इतनी गलतियां की अंकित कि अब कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें लगता है कि वो गैरी ने ही किया होगा। लोग बदलते सुधरते, मैं बस एक मौका तो दिया ना तुमने मौका, और मौका देख लिया ना क्या किया उसने। अपनी गलती मानो और माफी मांगो, कहो कि फिर से ऐसा नहीं करोगी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गैरी की मदद लेके मैंने कोई गलती की है। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने बदला, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। पता लगाना ही क्यों है, सब कुछ सामने है। वो गद्दार तुम्हारे सामने ही है साहिबा, गैरी नहीं किया ये। गैरी है वो गुनेगार, लेकिन तुम सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए मेरे लिए तुम भी गुनेगार हो साहिबा। तुम क्या कह रहे हो अंकित? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि उसके अंदर गिल्ट है, कि उसकी वजह से हमारे बीच में दूरी आ गई? ये सब उसका नाटक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है? और सच्चाई के बीच में फर्क समझने की समझदारी है मुझ में, और जो मुझे सही लगता है मैं उसका साथ दूंगी। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगी मैं, और मुझे यकीन है कि गैरी सुधर गया है। बिल्कुल गलत है तुम्हारा ये यकीन। अब या तो तुम्हें गैरी पर अपने इस यकीन को तोड़ना होगा, या फिर हमारे रिश्ते को। मैं जानती हूं तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम सीरियस नहीं हो सकते। अभी बताता हूं कितना सीरियस हूं मैं। चलो अंदर चलो, सबके सामने अपना ये फैसला सुनाता हूं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम अलग हो रहे हैं। और अगर तुम्हें तब भी यकीन ना हो तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगा कि साहिबा और अंगद अब एक नहीं है, दोनों अलग हो चुके हैं। अंगद नहीं, अंगद मेरी बात तो सुनो, अंगद ये गलत है। इस बनावटी रिश्ते का यही अंजाम होना था, बस अंजाम आने में टाइम ज्यादा लग गया। पाजी, मैं सबसे पहले आप ही को बताने वाला था, पर आप भाभी के साथ थे और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पर मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सबको बता दिया। पाजी, मैं कीरत से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी करने का फैसला ले लिया है। कंग्रेचुलेशंस वीर।